हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करें। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम कैसे करते हैं, हम ये सब लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। आज हम फिर से सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टैली प्राइम में। तो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी है, तो वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद हमारी बैंक की ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर सिर्फ तीन वाउचर्स से रिलेटेड, तीन वाउचर्स के अंदर हमारी एंट्रीज आ जाती हैं। एक कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा पेमेंट वाउचर, तीसरा रिसिप्ट वाउचर्स। तो इन तीनों में हमारी बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस इंक्लूड हो जाती हैं, या बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री इन तीनों ही वाउचर्स में होती है। तो आइए देखते हैं कि करके इनमें कैसे एंट्रीज होती है। कॉन्ट्रा वाउचर्स में वो एंट्रीज आती है जिसमें कैश टू कैश या बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश, यानी कि हमारे दोनों तरफ बैंक ही रहेंगे, यानी कि कैश रहेगा दूसरी तरफ बैंक रहेगा, तो उसे कॉन्ट्रा वाउचर्स में डालते हैं। तो जैसे मान लो अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो जब बैंक से कैश विड्रॉ करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो बैंक SBI बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। मान लो आपने 25,000 बैंक से विड्रॉ किए हैं, और कैसे विड्रॉ किए हैं, मान लो चेक से विड्रॉ किया है। अगर आपके पास मान लो चेक से नहीं है, आप शो मोर पे जाओगे, ATM से अगर आपने विड्रॉ किए हैं तो ATM सेलेक्ट कर सकते हो, कार्ड से किए हैं तो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर अदर कोई मोड है तो वो यूज कर सकते हो। मान लो आपने ATM से कैश विड्रॉ किया है, तो ATM से हमने 25,000 लिख दिए इंस्ट्रूमेंट डेट, और आपने कैश विड्रॉ किया है, तो बस आप इसके बाद एक्सेप्ट एंटर करके आप लास्ट में एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपने SBI से कैश विड्रॉ किया है। तो ये हमारे कॉन्ट्रा की एंट्री है। इसी प्रकार जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो वो भी कॉन्ट्रा में ही जाएगी। ओके गाइस, अब हम देखते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर्स में वो एंट्रीज आती है जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो किसी को। मान लो आपके कोई क्रेडिटर है, मान लो हमारा राहुल है, इसको हमें पैसे देने हैं, तो राहुल अकाउंट डेबिट, उसको पैसे देने हैं, इसका अकाउंट जीरो है, राहुल को मान लो 1,000 रुपये देने हैं, तो राहुल अकाउंट डेबिट, और आप कैसे दे रहे हो, उसके अकाउंट में दे रहे हो तो अकाउंट, और SBI बैंक से दे रहे हो तो SBI बैंक, अगर कैश दे रहे हो तो कैश। तो पेमेंट वाउचर्स यहाँ पे आ जाएगा। और किसके थ्रू दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो, अदर्स कोई हो है, या फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं, चेक से दे रहे हो, ई फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, इलेक्ट्रॉनिक DD है, अदर्स है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मान लो मैंने चेक दिया है, तो चेक इंस्ट्रूमेंट डेट आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये हमारी पेमेंट हो गई। तो मान लो अगर बैंक चार्जेस काट लेता है तो भी हमें वो पेमेंट वाउचर्स में करनी है, क्योंकि बैंक हमसे क्या कर रहा है, चार्जेस काट रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर बैंक चार्जेस का लेजर क्रिएट कर दो। लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट सी शॉर्टकट की है, और हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो बैंक चार्जेस का हमने एक लेजर बना लिया, और ये किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर GST एप्लीकेबल नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो बैंक चार्जेस मान लो 50 रुपये के काटे हैं बैंक ने, SBI से कटे हैं, तो SBI से हमने पेमेंट कर दी, और ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कटे हैं, तो यहाँ पर आप अदर लिख दोगे कि बैंक चार्जेस जो कटे हैं। ओके गाइज, तो अगर आपकी कोई और पेमेंट है, जो भी पेमेंट है आपकी, उसकी पेमेंट वाउचर्स में आपको एंट्री करनी है। इसी प्रकार रिसिप्ट्स है, अगर आपके पास पैसा आता है, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो या किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, या आपके अकाउंट में पैसे बैलेंस कैश या चेक या कोई भी मनी आपका डिपॉजिट होता है बैंक में, तो आपको रिसिप्ट्स के अंदर एंट्री करनी है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। मान लो आपको राम से पैसे लेने थे, एक चालू कर दूंगा 1,00,000 रुपए, तो आप SBI बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये आप कैसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लोगे,
तो रिसिप्ट की एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर्स में डालनी है, और आपने जो भी एंट्रीज करी उनको देखना चाहते हो तो आप डे बुक में जाकर उसे देख सकते हो। ये देखो हमने जो जो एंट्री करी थी, कैश डिपॉजिट करा था SBI बैंक में, कॉन्ट्रा एंट्रीज आ गई, और हमारी पेमेंट्स की एंट्री आ गई, और ये रिसिप्ट्स की एंट्री आ गई। गाइस आई होप आप समझ चुके होंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे करनी है, और उनकी ट्रांजेक्शन किन वाउचर्स में होगी। तीन ही वाउचर्स है हमारे पास, कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स एंड रिसिप्ट वाउचर्स। तो इन तीनों में आपको एंट्री करनी है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।